और वो वहाँ पे हमको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हो, और वो वही चीज़ हमें ढूंढ रहे हैं क्या, कि हमें क्या ये एक अच्छे चेयर की लालसा है, क्या एक अच्छे लाइफस्टाइल की एक तलब है, क्या राजनीति इसके लिए दोषी है, क्या अधिकारी इसके लिए दोषी है? मैं इसका आंसर तो नहीं करना चाहूंगी, बस थैंक यू। मेरे गुरु मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने मुझको ये सपना दिखाया और इस सपने पे आगे बढ़ाया। देखिए हम पत्रकार हैं और पत्रकार हमेशा धरना प्रदर्शन कवर करते आते हैं, और धरना प्रदर्शन अगर एक मन मस्तिष्क पे चलता रहे तो वो धरना प्रदर्शन किस तरह का होता है और उससे जो द्वंद्व होता है वो किस तरह का होता है, इनकी भाषा में समझेंगे। और अंशिका जी है मेरे साथ में, UPSC टॉपर हैं। आपके भाषणों को मैं सुन रहा था, बातों को सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि एक धरना प्रदर्शन आप की जिद कर बैठी थी कि जो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक क्या जीत ना मिल जाए, उस वो जो लाइन है थोड़ी भूल गया हूँ, आप थोड़ा बता दें। वो जो लाइन थी उसने मुझको बहुत हेल्प किया मेरी जर्नी के दौरान, वो ये थी, तू कयामत तक धरने पे बैठ ए किस्मत, मैं भी कोशिश करने से इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। और आज शायद उसी का नतीजा है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो मेरे 5th अटेम्प्ट में हुआ, तो काफ़ी लंबी जर्नी रही, तो उस लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेटेड किया। 4 अटेम्प्ट में ऐसा क्या हो गया था जिसमें मतलब बार बार जो है, जो बोलना चाहिए कि किस्मत जो है वो लक जो है साथ नहीं दे रहा था, आपके धरने से लगातार उसकी लड़ाई हो रही थी? मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ का एक समय होता है और हमारी एक स्ट्रैटेजी भी होती है। शायद शुरुआती अटेम्प्ट्स में मेरी वो स्ट्रैटेजी इतनी सही या इतनी स्ट्रांग नहीं रही होगी, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैंने भी उस चीज़ को रेक्टिफाई किया, ठीक किया, और आगे आज नतीजा है। जिस तरह से जो भी अभी नया जो आप लोग बैच आ रहे हैं, मैम कई लोग अपने अफसर हैं, कमान संभाल रहे हैं, नए लोग पढ़कर आ रहे हैं, और सभी लोग यही सोचते हैं कि 12वीं के बाद जनरली यही सवाल लोगों के मन में रहता है कि करें क्या, तो लोग यही सोचते हैं कि काश मैं कलेक्टर बन जाऊं, काश मैं SP बन जाऊं, लेकिन किसान बनने के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे वो भाई साहब अभी क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेटर बनने के बारे में वो नहीं सोच पाए और उनको भी वही पढ़ना था, तो क्या ये एक अच्छे चेयर की लालसा है, क्या एक अच्छे लाइफस्टाइल की एक तलब है, क्या एक अच्छे कार में घूमने का एक सोच है, क्या ऐसा लगता है कि एक IPS जब निकलता है या IAS निकलता है तो उसको ढेर सारे लोग सैल्यूट मारते हैं, उस तरह का कल्चर है, तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है? मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान का अपना अपना रीज़न है कि वो सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहता है। मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरा रीज़न यही रहा था कि मैं जब एक सोसाइटी का पार्ट हूँ तो मैं चाहती हूँ उसमें कंट्रीब्यूट करना, और उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जब आप सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मैं इस पथ पे अच्छे से चल सकूँगी और कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। पढ़ाई के जो एक बोलना चाहिए टाइम है, उस टाइम के लिए कहा जाता है कि आप पढ़ाई के लिए फोकस रहें, पढ़ाई के लिए बहुत सारा समय दें, लेकिन कुछ और जो थॉट प्रोसेस समझाते हैं, जो मेंटल थॉट प्रोसेस को समझाने वाले लोग आते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और बहुत सारे शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, आपको अपने जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने के लिए आपको स्पोर्ट्स को भी समय देना है, संगीत भी सुनना है, गाने भी सुनना है, तो ये आप टाइम का डिवाइडेशन कैसे करेंगी? मतलब सबसे पहली चीज़ नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नींद ही अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो जो चीज़ हम 2 घंटे में कर सकते हैं उसको हम 4 घंटे लगाएंगे, 5 घंटे लगाएंगे, और उस प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जहाँ पर आपकी एक प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप हो और थोड़ा समय योगा या स्पोर्ट्स के लिए भी हो, क्योंकि माइंड के साथ साथ बॉडी को भी एक एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि उस चीज़ के साथ आपको लग रहा है कि आप इतना समय उसमें लगा रहे हैं लेकिन वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है पढ़ाई के समय पे। तो हर चीज़ का एक निश्चित समय होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ साक्षात्कार के सवालों को पढ़ रहा था, उसमें एक सवाल आया था कि एक ट्रक ड्राइवर जो है वो रोड के इस पार चल रहा था, बाएँ तरफ चलना चाहिए था लेकिन वो दाएँ तरफ चल रहा था, वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था जो ट्रैफिक का हवलदार या अफसर था, लेकिन उसने उसका चालान नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब इस सवाल के अगर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे तो क्या देंगे? नहीं, ये तो ये मैं इसके जवाब को भी पढ़ा था, मैंने इसके जवाब को भी पढ़ा था, उसमें नीचे ये लिखा गया था कि ट्रक ड्राइवर पैदल चल रहा था। तो अब अगर साक्षात्कार में अगर ऐसे सवाल रहेंगे जो अपनी बातों को मनवाएंगे और आपके स्किल को टेस्ट करेंगे, सवालों के जवाब कई प्रकार से हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को समझने में, इस तरह की चीज़ों को सामने फेस करने में एक डर तो आएगा, एक नई चीज़ आएगी सामने, उसको फेस कैसे करे बच्चा? जो भी वहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और वो वहाँ पे हमको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हो, और वो वही चीज़ हमें ढूंढ रहे हैं क्या, कि हमें वो काबिलियत है कि हम आगे चल के एक
कंट्रीब्यूट कर सके, एक सही पाथ पे चल सके। तो मुझे लगता है कि इसमें वो वहाँ पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं। आई थिंक अब सुहा लास्ट सवाल है, एक गुरु के तौर पे हर इंसान एक व्यक्ति को देखता है, आपके गुरु किन को आपने मान के चले आगे और किन के लिए सोचती थी और किन के बारे में आप क्या कहना चाहती कि गुरु कैसा हो? मेरे गुरु मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने मुझको ये सपना दिखाया और इस सपने पे आगे बढ़ाया और हर कदम पे मेरा साथ दिया। तो मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता ही है जो अनकंडीशनल सपोर्ट देता है, वो मेरे लिए मेरे चाचा जी हैं। एक लास्ट सवाल और, आप जैसे समाज को अपने नज़रिए से अभी देखती होंगी, पढ़ लिख रहे होंगे उस समय भी और जब ये परीक्षाएं दे रही हैं उस समय भी, अभी आप हमसे बात कर रही हैं उस समय भी, और आपकी बहुत सारे नज़रियों को हमने समझा, बहुत अच्छे लेवल की सोच रखती हैं। जब आप सड़कों में चलती होंगी तो सड़कों में जो बड़े बड़े गड्ढे देखती होंगी, जब आप किसी गाँव में जाती होंगी वहाँ पानी नहीं आता ये देखती होंगी, आप इन सब दोष का जो जिम्मेदार है उसको किससे मानती हैं? क्या राजनीति इसके लिए दोषी है, क्या अधिकारी इसके लिए दोषी है? मैं इसका आंसर तो नहीं करना चाहूँगी, बस थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरह से भावनाएं और भावनाएं आप तक पहुंचाएंगे और सवाल हमारे थे, हालांकि कई सवालों को थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इस सवाल के लिए आगे वक्त देंगी, अभी हो सकता है इनको तैयारियां और करनी है और बहुत सारी ज़िंदगी को आगे जीना है, लेकिन अच्छी सोच रखती हैं। जब हम इनकी सेमिनार को अटेंड कर रहे थे, इन्होंने बच्चों के काफ़ी अच्छे और गंभीर सवालों के जवाब बहुत बखूबी दिए हैं और बहुत अच्छे से अपने विचारों को समझाए। तो जाहिर सी बात है आप सभी को समझना होगा कि पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई एक अच्छे भविष्य को पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे भविष्य को पाने के साथ साथ एक जो मेंटल स्किल है उसको आप किताबी ज्ञान से बाहरी दुनिया से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक गुरु ज़रूर बनाइए, अपने माता पिता की बातें ज़रूर सुनिए, शिक्षकों की बातें, और जो आपको अच्छा ज्ञान दे सकें, चाहे कोई टीवी पर ज्ञान दे सके, चाहे यूट्यूब पर दे सके, चाहे माँ बाप दे सकें, चाहे शिक्षक दे सकें, चाहे दोस्त यार दे सकें, उस ज्ञान को नश्चर जरूर करिए और अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करिए, आपको आपके प्रगति में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।